दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है, अप्रमाद ही अमृत पद यानी प्रगति चाहते हैं तो आलस का त्याग करना ही होगा। जहां आलस होता है वहां बड़ी से बड़ी संपत्ति और व्यापार नष्ट हो जाता है। अगर ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो ये आज ही तय करें कि अब आलस नहीं करेंगे। एक बार की बात है, पहाड़ी के ठीक नीचे एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह लड़का अपने आलस्य और काम चोरी के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और झपकियां लेता रहता था और अपने भविष्य के बारे में बड़े बड़े सपने देखता रहता था। उसके दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए और वह उसी गांव में 3 दिन रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षु पूरा दिन भीख मांगते और लोगों को उपदेश देने में बिताते और रात को गांव के बाहर बनी अपनी कुटिया में आराम करते। जब भी बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए जाते थे और भिक्षा लेकर लौटते थे तो हर बार वह युवा लड़के को उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते थे। बौद्ध भिक्षु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और वह समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम है। 3रे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे तो वह उस लड़के के पास गए जो अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और मेरे लिए एक पंख ले आओ। लड़के ने लेटे हुए अपना सिर पहाड़ी की ओर घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी को देखा। फिर उसके बाद उसने भिक्षु की ओर देखा और उसने उपहास करते हुए कहा, यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी की चोटी तक नहीं पहुंच सकता, मैं बहुत आलसी हूं। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लेकिन जिस पंख की मुझे तलाश है वह इस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा, वह इस पहाड़ी के दूसरी ओर गुफा में मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना होगा और दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन यह कोई आम पंख नहीं है, ऐसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा। यह अपनी रोशनी फैलाने वाला बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत पंख है। भिक्षु की इन बातों से लड़के के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसी रोमांचक यात्रा के बारे में सोचकर वह अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया। तभी उसने भिक्षु की चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया और वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा और उसकी सांस फूलने लगी और शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया उसे और प्रसन्नता हुई और उत्साह बढ़ता ही गया, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वह कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। वह मन ही मन संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक योद्धा की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। उसने पहाड़ की चोटी से नीचे देखा और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। उसे अपने भीतर एक उपलब्धि का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन असली चुनौती सामने थी। लड़के को पहाड़ के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। वहां से नीचे उतरना और भी मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान बहुत तेज थी। चढ़ाई के दौरान लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वह डर उसके अंदर भी था। लेकिन भिक्षु को पंख लाने का वादा भी किया था, तो वह चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। काफी खोजबीन और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो गुफा के प्रवेश द्वार से छनकर आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख उठाया लेकिन उसकी सुंदरता से चकित हो गया। वह लंबे समय तक पंख को देखता रहा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। उसने खुद को देखा, वह पूरी तरह से थक गया था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और भिक्षु को पंख कैसे देगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे उपलब्धि और गर्व की भावना याद आई। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे क्या महसूस हुआ? उसे एहसास हुआ कि उसके पास इस यात्रा को फिर से पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। उसने पहाड़ी की ओर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और पैर कांप रहे थे।
फेफड़े फट रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाकर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार खुद को आगे बढ़ाने में लगा रहा। कई प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच ही गया। और जब उसने वह पंख भिक्षु के हाथ में दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा कि आज उसने अपने आलस्य पर नियंत्रण पा लिया है और उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर दिया है। बौद्ध भिक्षु यह भाव देखकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी के भाव देखकर बोले, शाबाश बेटा, तुमने आज जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार किया जाए या सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर किया जाना चाहिए। यह एक बाधा है जिसे पार करना ही होगा, और आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें कदम उठाने ही होंगे। आपका पहला कदम आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना ही होगा, और आपको तब तक चलते रहना है जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। भिक्षु के शब्दों की गहराई और महत्व समझते हुए उसने हां में अपना सिर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही बढ़ा और महान काम करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक दिया था। अब वह जानता था कि उसके पास किसी भी तरह की बाधा पर काबू पाने की शक्ति और संकल्प है। इसके बाद भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और फिर उस गुफा से चले गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं, तब हम अपने भीतर एक ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। हमें आलस्य को दूर करने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के साथ साथ लगातार खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। विफलताओं और बाधाओं के बावजूद भी हमें भीतर से मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने नियम बनाना चाहिए और उन पर कायम रहना चाहिए। दैनिक आदतों में अनुशासन और दिनचर्या में निरंतरता भी विकसित करनी चाहिए। हम कुछ अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमें ध्यान केंद्रित करने और सक्रिय रहने में मदद कर सकती हैं जब आपका मन नहीं हो। एक और महत्वपूर्ण बात जो बतानी है, आलस्य पर काबू पाने का मतलब है विकास की मानसिकता विकसित करना। इसका मतलब है चुनौतियों और सफलताओं को विकास के अवसरों के रूप में देखना, न कि हार के रूप में। विकास की मानसिकता को अपनाकर हम असफलता को अपने विचारों को एक नया रूप दे सकते हैं, और हम इसका उपयोग सुधार करने और सीखने के लिए और अंततः अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए कर सकते हैं। आपको अपना आराम छोड़ना होगा और जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना होगा, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।